दीपावली के त्यौहार से पहले खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर करीब 1 टन नकली मावा पकड़ा है। इसकी कीमत 30 से 40 लाख रुपए आकी गई है। यह नकली मावा दूसरे जिले से भोपाल में सप्लाई होने के लिए लाया जा रहा था। भोपाल में करीब 20 व्यापारियों को यह माल सप्लाई होना था। इसकी जानकारी क्राइम ब्रांच को मिली और इसके बाद खाद्य विभाग के साथ मिलकर क्राइम ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मावे के सैंपल लिए गए हैं और उन्हें जाँच के लिए भेजा गया है। जिन लोगों को यह माल सप्लाई होना था उनकी भी तलाश की जा रही है और कहाँ से यह माल लाया गया था उनको भी पकड़ने के दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले भोपाल में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया था। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। अभी जैसा कि आपको विदित है कि अभी त्योहारों का सीजन है, इस समय बड़े स्तर पर जो है मिठाइयों का और निर्माण और सारी चीजें होती हैं। इसी तारतम्य में आज एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बड़ी मात्रा में एक मावे की खेप आने वाली है। उस सूचना को हमारे द्वारा खाद्य विभाग से शेयर किया गया। खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने जो है छापामारी कार्रवाई की, जिसमें ग्वालियर, धौलपुर और मथुरा तरफ से जितना बड़ी मात्रा में जो आज मावा आया हुआ था उसका वो करीब 140 क्विंटल है, उसको जब्त किया है। ये भोपाल के करीब 20 व्यापारियों का मावा है जो बाहर से बुलाते हैं और फिर यहाँ के बाद ये लोकल भोपाल में लेने के बाद ये आसपास की छोटी छोटी जगह इस माल को सप्लाई भी करते हैं। तो इसमें खाद्य विभाग के द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत इसमें उनके द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। खाद्य विभाग से लगा पड़ी हो रही है, जब्ती की कार्रवाई अभी वर्तमान में चल रही है। तो ये पूरा मामला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।